हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप एंड ट्रेल। तो अभी जस्ट हमने अपनी आगरा सीरीज खत्म की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज हम निकल रहे हैं एक और नए ट्रेवल पे, लेकिन अब इस ट्रेवल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो गोपेश्वर है, मतलब दिल्ली से हम गोपेश्वर जाएंगे, वो कॉमन पॉइंट है। और उसके बाद वहाँ से हमें मेन डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। ऐसे कोई इंटरनेट पे नहीं है, ऐसे कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ जाके लोकल पूछना पड़ेगा। हमारा जो मेन डेस्टिनेशन होगा वो वहीं जाके फाइनल होगा। यहाँ हमारा सिर्फ दो डेस्टिनेशन है जिसमें से कोई एक हमें करना है, या फिर हम टुंगनाथ ट्रैक करेंगे या फिर हम रुद्रनाथ ट्रैक करेंगे। और जो टोटली डिपेंड करता है वहाँ जाके वहाँ के वेदर पे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो फिर हम टुंगनाथ ट्रैक रखेंगे, क्योंकि मतलब हमारे पास रेन गियर्स हैं और रेन गियर्स के साथ हम छोटा ट्रैक आराम से कर सकते हैं, बट बड़े ट्रैक के लिए रेन गियर्स भी काम नहीं आते। लेकिन हमने जो प्लानिंग किया था आपसे, मतलब बहुत पहले से हम प्लान कर रहे थे, तो वो रुद्रनाथ ट्रैक के लिए प्लान किया था। और काफी लंबा ट्रैक है, आई थिंक 25 किलोमीटर का एक साइड। हाँ, 25 किलोमीटर का एक साइड का ट्रैक है। और लेकिन मेरे को थोड़ा सा, अगर हम तुंगनाथ करते हैं वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन यार बहुत छोटा ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और मैं पूरा प्लान करके चल रही थी कि 25 किलोमीटर का ट्रैक करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी तैयारियां की थी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मतलब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम रुद्रनाथ ट्रैक ही करें। मतलब मन भी वही है, राइट? क्योंकि थोड़ा सा वैसा उस वो वाला फील चाहिए जहाँ खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि रुद्रनाथ ट्रैक के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी मेरे को कोई फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब रुकने का मुझे कुछ आता पता नहीं है कि हम कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्योंकि रहने का मेरे ख्याल से वहाँ इतना अच्छा सुविधा नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। वहाँ जाके हमें देखना पड़ेगा कैसे रहना है, नहीं रहना, वो सबकी बात है जब हम उस पे जाते हैं। पता है क्या, जिसमें मैं आराम से जाती हूँ ना अपनी कार में अपने, मतलब तो उसमें वो ब्लॉग आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसमें बिल्कुल बहुत मुसीबत आ जाती है भाई, एक के बाद दूसरा चेंज करना है मेरे को, तो वो ब्लॉग आपको बहुत पसंद आते हैं। इसलिए ये वाला भी ब्लॉग होगा, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही करने वाले हैं। और मेन थिंग इज देख, जो यहाँ से बस जा रही है वो हमें उतारेगी गोपेश्वर। वहाँ से आपके पास वैसे 5 ऑप्शन होते हैं, राइट? मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कॉमन पॉइंट वही है। और वहाँ तक जाने के रूट अलग अलग हैं, जैसे आप दिल्ली से गोपेश्वर डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर आप, अगर आपको जैसे रुद्रनाथ ट्रैक जाना है तो आप यहाँ से हरिद्वार, लोग जो बेसिकली लोग फॉलो करते हैं यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से चमोली, और चमोली से गोपेश्वर, और गोपेश्वर से रुद्रनाथ। पर इतना लंबा पता नहीं क्यों रूट लेते, क्योंकि बहुत छोटा रूट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि, मतलब ये होता है जो कॉमन लोगों को पता होता है वहां तक कैसे जाना है, लेकिन जो लोग इंटरनेट पर रिसर्च कर लेते हैं उनको जाके ये पता चलता है कि गोपेश्वर तक की डायरेक्ट बस है। तो आगे वाला सफर और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, और मुझे पता है कि हमारी बात लगने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे, खूबसूरत चीजें हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखते आए हैं तो आपको ये पता होगा कि अब तक हमने जितना भी ट्रैवल स्टार्ट किया है वो सुबह ही स्टार्ट किया है, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे ऐसे स्टार्ट किया। पर ये वाला जो हम ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं ये हम रात में स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी जो बस है वो 8:30 बजे है। इसलिए इतना सारा आप फैला हुआ चीज़ें देख रहे हैं, जो मुझे पैकिंग करना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2, मतलब 3 बजने वाला है। और कितने बजे निकलेंगे हम यहाँ से बस के लिए? 6 बजे निकलेंगे, 8:30 बजे की बस है। तो कोई, मतलब इस बार रिसर्च काफ़ी कुछ किया है लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं है। मतलब जैसा शिव जी ले जाएं, जैसे महादेव हमको ले जाएं, वैसे हम जाएंगे। तो अभी मैं करती हूँ पैकिंग, क्योंकि हमें ट्रैक करना है तो वज़न कम से कम रखेंगे, इसलिए एक ही बैग हम लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 जोड़ी कपड़े में हो जाएगा हमारा। तो जितना कम से कम ले जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ से लेके जाओगे वहाँ ट्रैक करने में उतनी मुसीबत आने वाली है। मैंने सोचा था एक ही बैग बनाएंगे, लेकिन
दो बैग बन गए एक्चुअली. वुलन से ना तो वो ज्यादा जगह घेरते हैं इसलिए दो बैग बन गए. कोई बात नहीं, दो लोग हैं आराम से उठा लेंगे, एक एक बंदा एक एक बैग उठाएगा. और ये इतने हैवी है नहीं, सिर्फ देखने के लग रहे हैं क्योंकि वुलन से इसके अंदर. इसलिए खाने में है कुलचे और छोले, क्योंकि अभी शाम 8:30 बजे की बस है तो खाने का मुझे लगता नहीं कि कोई ठिकाना होने वाला है, क्योंकि 8:30 बजे अगर बस चलेगी तो पता नहीं कितनी बजे रुकेगी और कहाँ रुकेगी. इसलिए यहाँ से पेट भर के चलते हैं ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए मैं फटाफट खाती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ. अब ये इतनी सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, बैग तो पूरे फुल भरे हुए हैं. चलो इनको भी एडजस्ट करते हैं, ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर जल्दी से मैं निकाल के खा सकूँ. सो सब कुछ बैग वैग तैयार हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं कश्मीरी गेट के लिए. और बड़ी मुश्किल से कैब बुक हुई है. एक्चुअली ना ये जो टाइम होता है ना, ये ऑफिस का टाइम होता है, लोग आ रहे जा रहे होते हैं तो कैब सारी बिजी होती है, तो मुश्किल से कैब मिलती है. बड़ी मुश्किल से कैब मिली है, 5 मिनट में कैब आ जाएगी. तब तक सामान वामान इकट्ठा करते हैं फिर निकलते हैं. और बाय द वे थोड़ी देर पहले कैब का किराया इतना दिखा रहा था, मतलब 750 दिखा रहा था, और वो इक्वल टू हो रहा था दिल्ली से गोपेश्वर तक का जितना हमारा बस का किराया लग रहा था उतना ही यहाँ से कश्मीरी गेट का किराया लग रहा था. मतलब बस निकलते हैं कश्मीरी गेट के लिए. नीचे आते हुए भी दो दो बैग हो गए. चलो लेट हो गया. सारी गलती कैब वालों की है, कैब बुक हुई नहीं, कब से बस कैब बुक कर रहे थे, कैब वाले का वेट कर रहे हैं. यार ऐसा कितना अजीब लग रहा है ना, यहाँ से जाने इतनी गर्मी हो रही है और वहाँ जाके ठंडा ठंडा लगेगा. यहाँ 42-45 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ कितना है, 8 या 10 डिग्री का टेम्परेचर मिलने वाला, मतलब मजा आने वाला है. नेक टू नेक चल रहे हैं, मतलब पता नहीं बस मिलती है नहीं उतरे थे लास्ट टाइम, है ना? नहीं, हाँ हाँ, भी ऐसे ही लिखा हुआ था. इतना पसीना पसीना और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे पता नहीं था इतने पीछे की सीट है. गर्मी लग रही है ना, पूछो ना, मुझे पता होता तो मैं शायद नहीं जाती. हालत खराब है, इतना पसीना, पता नहीं कैसे कैसे जाऊँगी मैं. साढ़े 8 बजे का टाइम था लेकिन गवर्नमेंट बस है. 8:47 हो गए, 8:47 अब चल रहे हैं बस. ओके अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हमारी बस होती है यहाँ पर होल्ड के लिए. आई थिंक खाना पीना हम यहाँ से खा सकते हैं. जैसे मेरा मन चाय पीने का है लेकिन हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे लगता है चाय नहीं पीनी चाहिए. दो बोतल लिए, ये वाली एक बोतल इसमें खाली कर दी. क्यों? क्योंकि फिर इसको फेंकना पड़ेगा ना, यहाँ पर डस्टबिन है तो फेंक देंगे, फालतू में इधर उधर फेंकेंगे कचरा होगा, क्या फायदा. बस रुकी है यहाँ पर और बज रहा है 2:30 और 3:30 बजे तक हम यहाँ रुकने वाले हैं. मतलब 3:30 बजे तक बस यहाँ रुकेगी, 3:30 बजे चलेगी बस. तब तक चाय ब्रेक लिया है हमने, चाय वाय पीते हैं. यार बहुत लंबी जर्नी है, बहुत टायर्ड फील हो रहा, पता नहीं कैसे होगा. कल 10 या 11 बजे तक हम वहाँ पहुँच पाएंगे. पहुँचे वैसे हम अभी हैं श्रीनगर. श्रीनगर में और बहुत बहुत खूबसूरत है यार, देखो इधर देखो. और यहाँ की ना वाइब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है उत्तराखंड में ही लेकिन नैनीताल और यहाँ से इसकी वाइब ना बिल्कुल अलग है. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर मेरे को अभी से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. दो चल रही है क्या, मौसी वाली आगे चल रही है? बहुत अलग फील है, मतलब अप्रोक्सीमेट हम 10 या 11 बजे तक पहुँच जाने चाहिए.
दस या ग्यारह बजे तक पहुँच जाएंगे गोपेश्वर, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद वहाँ गोपेश्वर पहुँचते फिर आपको बताते हैं कि वहाँ से कैसे जाएंगे और कहाँ जाना है। आप जा रहे हैं वहाँ पर, वहीं रहते हैं? ये हम यहाँ के लोकल ही हैं, जाते दिल्ली हम, मतलब आते जाते रहते हैं। घर है हमारा वो। दिल्ली में कहाँ पर रहते हो? भजनपुरा। अच्छा, सुना नहीं होगा आपने? बहुत पॉपुलर है भजनपुरा, कैसे नहीं सुना है? बहुत पॉपुलर है, दंगों में पॉपुलर हुआ था, पीछे दंगा हुआ था ना। हाँ, ये उधर ही है क्या, चादरा की तरफ? हाँ हाँ। अभी गोपेश्वर पहुंच चुके हैं हम, 11 बज गए गोपेश्वर पहुंचते पहुंचते, और यहाँ का कुछ हिसाब ही अलग है। यहाँ से चौपटा जाने के लिए आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, और कैब नहीं, यहाँ पर एक्चुअली शेयरिंग जो टैक्सी चलती है वही बुक करनी पड़ेगी। तो उसमें जितने लोग बैठते हैं उनका आपको टोटल किराया देना पड़ेगा। तो हमको चौपटा तक का पड़ रहा है 2000 रुपीज़। और प्लानिंग में जो चेंज हुआ है वो मैं आपको होटल पहुँच के बताती हूँ कि क्या चेंज हुआ है और कितनी कितनी प्रॉब्लम हुई है, ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। सो उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई, वैसे ये वाली मिठाई यही मिठाई होती है, इसके ऊपर बस ये दाने लगा दिए जाते हैं, ये वाली जो नीचे ये मिठाई है ना यही होती है नॉर्मल, इसी में दाने लगा दिए जाते हैं। ये बाल मिठाई यहाँ की फेमस, आओगे तो कभी ट्राई जरूर ट्राई करना। ये है कोपेश्वर का टैक्सी स्टैंड, काफ़ी बड़ा है, बस स्टॉप बस भी यहीं रुकती है इससे पहले वहाँ पर, और ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर शेयरिंग में जाते हैं, लेकिन अगर चौपटा आप जा रहे हो तो चौपटा के लिए आपको बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा। वैसे यार मेरे को भूख तो बहुत लग रही थी क्योंकि कल 5:30 बजे कहीं नहीं, समोसा वमोसा नहीं खाना, प्रॉपर खाना खाना, 5:30 बजे का खाना खाया है हमने, तो उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं खाया। सोचा था यहाँ कुछ खा लेंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि चौपटा पहुँच के ही खाएँ खाना, बहुत भूख लग रही, हालत ख़राब हो रही है। मोमोज खाने के लिए हमारे पास टाइम है, मतलब मैं ऐसे भाग भाग के नहीं खाना चाहती अब। और वैसे भी हम रुद्रनाथ का प्लान कैंसिल कर चुके हैं, प्लान कैंसिल हो गया ना, वैसे मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था प्लान कैंसिल होना है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्लानिंग हमने की थी। लेकिन अब मैं इसकी डिटेल आपको होटल पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत बहुत सारी डिटेल है जो मेरे को आपको देनी है। तो मैं होटल पहुँचती हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ कि क्या स्टोरी है और क्यों हमने रुद्रनाथ का प्लान कैंसिल किया। तो यहाँ से हम टैक्सी कर रहे हैं, यहाँ से 1 घंटा लगने वाला है, 1 घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद हम चौपटा पहुँच जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है यार 16 घंटे का ट्रैवल करने के बाद 1 और घंटा ट्रैवल करना। जब आपके पास 1.5-2 घंटे चौपटा पहुंच गए, एग्जैक्टली 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा ना, जो 2 घंटे से ज़्यादा लगे ना, नहीं एग्जैक्ट 2 घंटा, हाँ एग्जैक्ट 2 घंटा लगा है। और यहाँ पर सीज़न चल रहा है तो रूम काफ़ी महंगे हैं, बड़ी मुश्किल से 3600 रुपये में 2 नाइट के लिए हमें रूम मिला है, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लेकिन अभी क्या करें, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी रूम इतने महंगे चल रहे हैं, 3000-3500 के, बड़ी मुश्किल से ये रूम मिला है। तो अभी आज का स्टे हम यही करने वाले हैं, रूम में सामान सेटल कर दिया है और अब खाने के लिए निकल रहे हैं। मतलब कितना घंटा हो गया हमको, कल 5:30 बजे खाया था, उसके बाद अब खाना खा रहे हैं, पेट कैसी 12 बजे पड़ी है ना, बिल्कुल आवाज़ आने लगी, पेट भी खाना मांगने लगा है। तो अब वहीं खाना, 22 घंटे बिना खाना के, चलो फिर चलते हैं, पेट में कुछ डालते हैं। स्टिक तो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को ना, 3 किलोमीटर में क्या स्टिक ले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, 3 किलोमीटर लोग बोल रहे हैं, पर 3 किलोमीटर होगा नहीं, 5 किलोमीटर तो कम से कम होगा। यार मुझे ये वाली टी शर्ट लेना है।
सो चौपटा वैसे बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए यहाँ पर इस मतलब सो देखो यार चौपटा में आपको ज़्यादा रहने के ऑप्शन मिलेंगे नहीं, और बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब इतना अच्छा है नहीं यहाँ पर रहने वहने की व्यवस्था, लेकिन जो मिलता है आप ले लो, क्योंकि अगर वो छूट गया तो फिर मिलना मुश्किल है। एंड इतना बड़ा भी है नहीं तो कहाँ ही ढूंढोगे, यही 4-5 होटल बने हुए हैं, इनमें से आपको कोई चूज़ करना पड़ेगा, और बहुत पैसा बहुत है एक नाइट का, और खाने के भी ज़्यादा ऑप्शन मेरे को लगता नहीं यहाँ मिलेंगे, है ना। खाने के भी ज़्यादा ऑप्शन मेरे को लगता नहीं यहाँ मिलेंगे, भी जाके देखते हैं, मतलब वही नॉर्मल खाना मिलने वाला है, जैसे खाने में है मटर पनीर, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला, राइस और बटर तंदूरी रोटी, बटर रोटी मतलब लेके आओ, प्लेट भी नहीं है, ये वाली प्लेट मिलेगी सब जगह, यही मिलेगी ये सब जगह, यही प्लेट मिलेगी। ट्रैवल कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर करके बालों की हालत, अब मेरे को 2-3 दिन तक मैं इनको धो नहीं सकती, क्योंकि नहाने धोने की इतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं, गर्म पानी भी अवेलेबल है नहीं, तो कैसे ही नहाऊंगी धोऊंगी, तो ऐसे ही बाल लेके मुझे लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो टाइमिंग जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि टाइम ही डिसाइड करता है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन को कितने टाइम पे कर पाओगे। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बड़े डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हो, कम टाइम है तो आप छोटे डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हो। तो इस बार हमारे साथ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो हमने UTC की बस बुक करी थी गोपेश्वर के लिए, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत गलत थी, क्योंकि वो ड्रॉप बता रहा था 4:30 बजे का, सुबह 4:30 बजे का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था कि ठीक है 4:30 बजे हमें उतार देगा, तो 2 घंटे थोड़ा रेस्ट करके रुद्रनाथ निकल जाएंगे, ऐसा प्लानिंग था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में बस में एक अंकल थे तो उनका आना जाना लगा रहता था, तो उन्होंने बीच में हमको बता दिया कि बस तो 11 बजे से पहले आपको गोपेश्वर उतारेगी नहीं, तो 11 बजे गोपेश्वर उतरने का मतलब बनता है कि वो दिन हमारा वेस्ट हो जाता, रुद्रनाथ तो हमारा नहीं हो पाता, और रुद्रनाथ को कवर करने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 दिन होने चाहिए, और बारिश भी होने के आसार है, क्योंकि अभी यहाँ पर बाहर बारिश हो रही है तड़ाकेदार, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता, तो इससे अच्छा मुझे लगा कि हमें तुंगनाथ का ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि तुंगनाथ छोटा ट्रैक है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। हालांकि एंड टाइम पे जब डिसीजन बदलते तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे वो रुद्रनाथ ट्रैक के लिए कर रहे थे, इसलिए इतने बड़े बड़े 2 बैग लेके आए हैं, इतनी सारी जितनी भी ट्रैकिंग की तैयारी करके आए हैं, 25 किलोमीटर का ट्रैक था वो एक साइड का, तो उसी अकॉर्डिंग करके आए। बट ठीक है यार, बोलते ना मेरे को बाहुबली वाला डायलॉग याद आता है, कौन सा था, शिवा ही जाने शिव के मन में क्या है, शिवजी चाहते थे कि हम तुंगनाथ पहले आए, रुद्रनाथ नहीं चाहते थे कि रुद्रनाथ में हम आए, पहले हम तुंगनाथ ही विजिट करें, इसलिए हम तुंगनाथ आ गए। और एंड टाइम पे जो प्लानिंग कैंसिल हुई, मतलब जो चेंज हुई, हमने एट ए टाइम एट ए मोमेंट पे पॉइंट पे पहुंच के जो प्लान चेंज किया, उसकी वजह से इसका थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया, आई नो, क्योंकि मैं भी वही फील में थी कि रुद्रनाथ करना है, लेकिन अब बोलते हैं ना भगवान जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। पूरे बस में यही बोल रहा था, एक बार जल्दी से 4:00 बजे और हम पहुँचे और तुरंत ट्रैक स्टार्ट कर दें, कबाड़ा हो गया। लेकिन ये सोचा जाए तो गलती हमारी भी है यार, मतलब मैंने उस समय ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अगर 469 किलोमीटर दिखा रहा था तो 6 घंटे में तो किसी हालत में वो हमको छोड़ ही नहीं सकता था। बट मेरे को लगा कि बस वाले जब दिखा रहे हैं तो ठीक ही होगा, और मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, मतलब ठीक है, कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपके सामने होती है आपको दिखता है लेकिन आप उस बारे में सोच ही नहीं पाते, सेम ऐसा ही हुआ, और इसलिए 16 घंटे लग गए। इससे बढ़िया होता कि हम तोड़ के आते, हमारा पूरा दिन फ्राइडे वेस्ट हो गया, सैटरडे भी वेस्ट ही हो गया, समझ लो, और क्या। और ले देके अब जैसे हम इसको थोड़ा बजट ट्रिप बना रहे थे तो बजट थोड़ा मतलब बाहर निकल गया, क्योंकि मतलब अगर हम रुद्रनाथ ट्रैक करते हैं तो हम गोपेश्वर तक जो आए थे उसका बस फेयर लगा था पर हेड 755, और वहाँ से अगर हम रुद्रनाथ ट्रैक के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तक के लिए अगर वहाँ से कैब करते तो वो हमें पड़ता 20 रुपये का, मतलब हमारा 777 में, मतलब हाँ आसानी से हो जाता है, वहाँ रूम भी सस्ते, मतलब 770 रुपए में हम पूरा का पूरा ट्रैक कर लेते हैं, और बीच में वहाँ पे रहने का भी 300-300 रुपए में
वहाँ पे एकोमोडेशन था, तो वो हमारा बहुत बजट ट्रिप, वो हम पूरा प्लान करके आए थे। अब यहाँ आके क्या हो गया, तुंगनाथ आने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें नीचे से पता चला कि गोपेश्वर से तुंगनाथ है 40 किलोमीटर्स, और वो हमें इतना छोटा सा डिस्टेंस आने के लिए कोई कैब इधर आती नहीं है। तो अगर आप लोग कभी गोपेश्वर से तुंगनाथ आते हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। आपको अगर आना है तो आप उखी मठ के थ्रू होके आओ, वहां से आपको शेयरिंग बेस पे कैब मिल जाएंगी जो शायद 200 या 300 रुपए लेंगी, लेकिन हमारा ये खैर प्लान नहीं था और सबसे पास में ये था तो हम गोपेश्वर उतरे थे। और गोपेश्वर से अगर आप आते हो तो 2000 एक साइड का आपका कैब का लगेगा, प्लस अभी हमें जाने के लिए भी देखना है कि हम किधर से जाएंगे। हम अभी हमारे पास दिन बिल्कुल नहीं है, मेरा ऑफिस भी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर हम वापस जिस रूट से आए हैं वहां फिर से 2000 लगा के उस जगह पे जाए और वहां से बस पकड़े, जो हमें पता है कि वहां पे कितने बजे बस मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस जगह पे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम उखी मठ जाए और उखी मठ से रुद्रप्रयाग जाए जो वहां से आई बिलीव 1 घंटे के रास्ते में है, और वहां से दिल्ली के लिए बस पकड़े, लेकिन ये जस्ट एक थ्योरी है जो हमें यहाँ के लोकल्स से, थ्योरी नहीं है क्योंकि हम उस रास्ते पे गए नहीं है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमें वो पता रास्ता नहीं है। रास्ता है, लेकिन अभी यहाँ पे आके हमें ये भी पता चला है कि जो यहाँ पे जो बसेस चलती हैं, जो रोडवेज चलती थी, मतलब यहाँ पे आप अगर ऑफ सीजन में आओगे तो यहाँ पे आपको हर टाइम 10, 15, 20 बसेस दिखती रहेंगी, मतलब बसेस चलती ही रहेंगी। लेकिन इस टाइम पे जो चार धाम यात्रा चालू हो रखा है और केदार पंच केदार भी खुले हुए पंच केदार भी खुले हुए हैं, उसके वजह से जितने भी मैक्सिमम बसेस हैं सब के सब यात्रा में चली गई हैं, और हर मतलब गोपेश्वर के लिए और ऊखी मठ के लिए और कहीं के लिए भी सिर्फ 1 या 2 बसेस चल रही हैं, मतलब पूरे दिन में दिल्ली जाने का सिर्फ 1 बस है। तो हमें बस यही डर लग रहा है कि जैसे हमें यहाँ का पता है गोपेश्वर के की बस कितने बजे मिलेगी, लेकिन हमें ऊखी मठ का नहीं पता, हमें रुद्रप्रयाग का नहीं पता कितने बजे मिलेगी और वहाँ पे और बसेस मिलेंगी या नहीं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो कल मतलब परसों देखते हैं क्या करना है, रिस्क लेना है, अगर रिस्क लिए और बस नहीं मिली तो मेरा ही 1 दिन की छुट्टी लग जाएगा। और एक बात है, मतलब इसीलिए अपना व्हीकल लेके आओ सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ आपको देखना नहीं होता, आपके आपके अकॉर्डिंग चलता है ना वो, कि आपको कितने बजे निकलना है। यहाँ पर सिर पर टेंशन होती है कि काम मिलेगी नहीं मिलेगी, सुबह निकलना है ये निकलना है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन हमारा मेन पर्पस ही था रुद्रनाथ ट्रैक, और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने व्हीकल की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 770 रुपये में हम पूरा ट्रैक कम्प्लीट कर सकते थे। और बहुत अच्छे अच्छे सीनिक व्यू थे, वो आज भी अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मैं सोची थी कि वहाँ जाएंगे, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि वो मैं भाग दौड़ के नहीं करना चाहती, वो एक रेस की तरह नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओ भाग रहे हैं फटाफट, कहीं रुक ही नहीं पा रहे हैं, हम मजे ही नहीं ले पा रहे। रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो काफी स्ट्रेच वाला ट्रैक है, क्योंकि 45-48 किलोमीटर का आई बिलीव ऊपर आना जा रहा है ना। वो अब जब कवर करेंगे तब उसको हम डिटेल में दिखाएंगे और डिटेल में बताएंगे। और आज हमें तुंगनाथ ही आते आते लगभग 1:30 या 2 बज गए थे, मतलब हम कल 7 बजे से घर से निकले हैं और आज 1:30-2 बजे बस अपना सफर खत्म किए हैं, जो अभी हमारे लिए सफर हो चुका है, और अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है बस। तो आज तो फिर हम और कहीं नहीं जाएंगे, आज हम पूरा दिन रेस्ट करेंगे और आपको कल सुबह सुबह के हो सकता है 5 बजे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे तुंगनाथ ट्रैक। आई थिंक आई ब्लू कौन सा केदार है, थर्ड केदार है आई थिंक। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, क्यों खाना भी तो दिखाएंगे। अच्छा खाना भी दिखाएंगे, खाना जब हम ऑर्डर करने वाले, वैसे तभी खा के आए तो पूरा 22 घंटे के बाद खाना मिला है, लेकिन अभी शाम को डिनर और करेंगे, ठीक है। देखो मेरा मुंडी फिर काट दे क्योंकि शाम को हम डिनर करने वाले, तो वो आपको हम जरूर दिखाएंगे कि हम डिनर में क्या खाने वाले। मेरे को एक बात का बहुत अफसोस है, मैं नहा के जाना चाहती थी। और हाँ एक और चीज, हमें बड़ा घटिया रूम मिला है, मतलब यहाँ सारे ही रूम घटिया हैं और उन घटियाओं का बादशाह ही है। नहीं एक बात बताऊं, अगर आप ट्रेवलर हो ना तो आप हर जगह एक जैसी सुविधा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ और यहाँ पे
मतलब कहीं पे भी लाइट नहीं है। अब पता नहीं रात को वाईफाई लाइट भी आएगी, नहीं आएगी वाईफाई, वाईफाई छोड़ो उसको, वाईफाई नहीं, वो नेटवर्क का भी कोई आता पता नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे हम यहाँ पर आए एकदम बारिश शुरू हो गई, रघु भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई, एकदम ठंडा मौसम हो गया, एकदम विपरीत, मतलब दिल्ली इज लाइक 45 डिग्री और यहाँ पर कितना होगा, 24-25 18-19 होना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है, 18-19 मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा फील लग रहा है। ये गाड़ी पे जो मुक्की का कदर नंबर थे मुंह मुक्की अपने नमाने 547 शाम की चाय, ऐसा धुआं उठ रहा है ना एकदम अच्छा लग रहा है, शाम की चाय फ्रॉम चोपटा। रात के 8:30 बज रहे हैं और हम आए हैं डिनर पे, यहाँ पे मिक्स वेज अभी फ्रेश फ्रेश और ये शाही पनीर बटर, लॉट्स ऑफ बटर एंड देन दिस इज राइस, राइस ही खाएंगे, मेरा राइस ही खाने का मन, फटाफट डिनर करते हैं फिर सो जाइए क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमें ट्रैक पे जाना है।